जय साथियों, आज हम सीखेंगे सोल्डरिंग आयरन के बारे में। बताएंगे अभी तक आप लोगों सोल्डरिंग आयरन तो करते ही होंगे, ऐसा नहीं है कोई भी ऐसे स्टाफ सोल्डरिंग आयरन नहीं करता हो। हमेशा सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ता है, लेकिन पुराने टैंक ब्लॉक में कभी कभी देखते हैं काफ़ी आप परेशान हो जाते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि क्या क्या इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, सोल्डरिंग आयरन करने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए साथियों, आज के बाद आप लोग को दिक्कत नहीं होगा सोल्डरिंग आयरन करने में। ये देखिए, आपको पिन का सोल्डर आयरन करना हो, चाहे टैग ब्लॉक पर आयरन करना सोल्डरिंग करना हो, या कोई पीसीबी में सोल्डरिंग करना हो, तो सबसे पहले क्या करिए, इधर आप मल्टी स्टैंड वायर को छीलिए। छीलने के बाद में उसको हिसाब से ज़्यादा मत रखिए, लंबा इतना ही रखिए, है ना। बस इसको मतलब ये इंसुलेशन के साथ अंदर चला जाए तो भी ठीक है ना। और इधर या इधर इधर भी आप लगा करके, सिंगल वायर है तो इस तरफ लगाइए, डबल वायर है तो इधर और इधर लगाइए, सिंगल वायर है तो इधर लगाइए, जिधर इसका पिन उठा हुआ है उधर मत लगाइए, है ना। तो इस तरह से इसको लगा करके पहले यहाँ पुश कर लीजिए। अब ये वायर हिलेगा नहीं, है ना। अब इधर क्या करिए, एक नोज आयरन से तभी पकड़िए, दूसरे आदमी को बोलिए आयरन लगाइए भाई। आप करने से पहले आयरन लगाइए साहब, आयरन करने से पहले आयरन गर्म है कि नहीं है पहले इसको देख लीजिए, ठीक है, गर्म है कि नहीं, ठीक है ना। या पांडित जी इसको आप पकड़ो, है ना। आप पिन में कर रहे हैं तो नोज पैर सीधे सामने आदमी पकड़िए। आप किधर भी आयरन लगाइए तो पहले आप ध्यान रखिए कि जो मोटा पार्ट्स है, वायर पतली पतली है और ये पिन क्या है मोटा है, आपको इसको गर्म करना है। वायर गर्म करने जाएंगे तो सारा इंसुलेशन गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो आपको इसको गर्म करिए ऊपर से। पहले इसको आयरन को आप इसमें सटा लीजिए, कनेक्टिविटी बना लीजिए। कनेक्टिविटी बनने के बाद वो अपने आप गर्म हो जाएगा और इसके बाद ये आपका आयरन हो गया। ज़्यादा हो गया तो थोड़ा इधर कर लीजिए, मैं दिखाने के लिए थोड़ा साइड में बनाया था, हो गया आपका। दूसरा तरीका ये है कि आप इधर से भी आयरन को इधर साइड में पकड़िए, है ना, साइड में, ठीक है ना। यहाँ पर आप पहले इसको कनेक्टिविटी बना दीजिए, इसके बाद ये पूरा गर्म होगा, फिर यहाँ लपेट दीजिए इसे चलना है ना, ठीक है। एक और दिखाएं, अब आपको जब बेस के पिन में डालना है तो ये जो बाहर का आप ये देख रहे हैं ये वाला, है ना, ये आपको थोड़ा सा ऐसे पुश कर देना है ना, हल्का सा, ठीक है। इधर वाले को थोड़ा ऐसे पुश कर लीजिए, गोल हो गया। इसके बाद थोड़ा यहाँ से दबा लीजिए, है ना, छोटा हो गया, इसका साइज पतला कर दिया। अब आपको बेस में डालने में बहुत ईजी होता है ना। अब यहाँ पकड़िए पांडे जी, खींचिए मत यार, खींचेंगे तो। चलो अभी देखिए, आपको इसको आयरन करना है तो आप यहाँ पर भी लगा करके इसका बॉडी को, आयरन को पहले ऐसे लीड लगाइए, ऐसे ऐसे टच कर लीजिए, चाहे यहाँ पर रखिए, पहले आयरन में थोड़ा टच होना चाहिए, फिर इसके बाद आपका इजीली हो गया, ठीक है। पीछे देख लीजिए, घुमा करके छोड़िए, छोड़ दीजिए पीछे, आपका ये ज़्यादा हो गया तो थोड़ा इसको प्लेन रखिए, नहीं तो क्या पिन घुसाने में दिक्कत होगी, है ना, पिन घुसेगा नहीं, है ना। अच्छा, आयरन आपका सही है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, जब ये देखिए एकदम चमकना चाहिए, है ना, आयरन का ये चमकना चाहिए, यदि ये नहीं है तो इसको अच्छी तरह से आयरन पहले लगा के साफ कर लीजिए, है ना। अच्छा, इसमें ऑलरेडी रेडीमेड रंगा आता है, मतलब जो पेस्ट आता है ना, फ्लक्स जिसको बोलते हैं, फ्लैक्स, ऑलरेडी आजकल रेडीमेड आता है, आपको अलग से लगानी होती है। जब कुछ ज़्यादा गंदा रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, वायर छील करके उसमें फ्लैक्स पहले थोड़ा सा लगाना पड़ता है। तो कितना भी घूर हो, गंदा हो, वायर में लगा दिए और जिस पर आयरन करना है उसको भी थोड़ा सा वायर से लगा करके लगा दीजिए, तो आपको आयरन पकड़ लेगा, है ना। अब हम इसको पिन को घुसा के देखते हैं एक जगह। चलिए नोट कर दीजिए, पूरे कर दीजिए। तो आप पहले लाइन में डाल रहे हैं तो ऊपर में डालना है, दो में डालना है तो जस्ट इसे नीचे में डालना है ना। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं D1 में, तो इस तरह देखिए। अभी आपको क्या होता है, जब ये पिन चौड़ा होगा अंदर नहीं जाएगा, आप स्क्रू ड्राइवर से दबाएंगे तो दिक्कत होती है, तो ये रिंग को पहले ही फोड़ के रखिए, है ना। अब ये नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या दबाने पर, चौड़ा है, तो पहले हम इसको
इस तरह से थोड़ा सा यहाँ सही से दबा लेंगे, थोड़ा ऐसे कर लेंगे, ज़्यादा भी नहीं करेंगे, हमको बस साइज़ थोड़ा छोटा करना है ना, चारों तरफ से ऊपर से नीचे तरफ से। अब ये हो गया आपका छोटा, अब इसको हम यहाँ दबाएंगे। अब देखिए इसको जगह बन गया पूरा जाने के लिए, है ना, अब ये आराम से जाएगा। हम यहाँ से स्क्रू ड्राइवर पकड़ेंगे, रिले ऑलरेडी लगा हुआ है फिर भी जाएगा। एक मिनट, अभी भी नहीं जा रहा है, ये तो बराबर बेंड है। अच्छा ये पीछे हुआ, ये रह गया है ना शोल्डर, पीछे चला गया शोल्डर, है ना, थोड़ा भी रहेगा तो नहीं होगा। आयरन है क्या उधर, थोड़ा इधर घस के दीजिए ना। हाँ देखिए अब इसको हम डालेंगे, इजीली जाएगा, है ना, रिले लगा है, इसको रिले निकाल के डाला तो अच्छे से जाता है। ये देखिए आप गर्म करते समय आज इसमें ध्यान रखिए, वायर ऐसा ऐसा हाथ पकड़ लीजिए लूज, इसको सबसे पहले क्या करिए, आप वायर के ऊपर मत रखिए आयरन, है ना, आपको रखना है इस पर, है ना, पिन पर, और सबसे पहले इसको आप, अभी आयरन हाँ गर्म हुआ है, पहले आप लीड में थोड़ा देख लीजिए गर्म है कि नहीं, धूल है, पहले इसको आपको कनेक्शन बनाना है ना, ये कनेक्शन होने के बाद में फिर वायर को लगाइए वायर, ठीक है, इस तरह से आपको सोल्डरिंग करना रहता है, ठीक है, थोड़ा देर पकड़ कर रखिए, जब तक सिल्वर कलर नहीं हो जाता पूरा, चमकने नहीं लगता है, तब तक आपको समझिए कि हमारा सोल्डरिंग प्रॉपर नहीं हुआ। अब यहाँ टैग पर पकड़िए, थोड़ा प्रेशर ऊपर की तरफ देके रखिए, आयरन पर लगाइए लीड, इस तरह से पकड़ लिया, कनेक्शन हो गया, उसके बाद आप वायर पर लगाइए, ठीक है, इस तरह से आयरन को गर्म किए के आपको इस तरह से आयरन को लगाएंगे, यहाँ पर इसको चिपकाएंगे, फिर वायर पर लगाएंगे, है ना। जनरली क्या करते लोग, वायर पर लगाते हैं, वायर क्या होता है, वायर पैसे रखेंगे, वायर जो होती है हमारी गर्म होते जाती है लीड नहीं, तो हमको किस में लगाना है, जो मोटा पार्ट से उसको गर्म करना है, थोड़ा देर पकड़ रखना है, जब गर्म हो जाए टैग ब्लॉक में आपको नई जगह बनता तो इधर साइड से लगाना रहता है ना, अभी आपको ऐसा पकड़ना नहीं हो रहा है ना, तो पहले आयरन में लगाइए, आयरन गर्म हो गया, इसमें कनेक्शन हो गया, तो इस तरह से आपका हो गया, है ना, ये देखिए हो गया आपका पूरा सिल्वर कलर, है ना, इस तरह से आपका पूरा हो गया। उसी तरह से यदि यहाँ देखिए, हम एक और बताते हैं, यहाँ किया हमने वायर में, यहाँ लगा रहे हैं, इसे ऐसे लगा रहे हैं, कनेक्शन नहीं हुआ आयरन का, तो आयरन में लगाइए पहले, है ना, आयरन में लग गया, ये कनेक्शन हो गया लीड से, अब यहाँ आप करिए, आराम से आपका पूरा हो जाएगा, है ना। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए, ताकि सबको फ़ायदा हो सके।